हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर मैच हो रहा है एसडीएल वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड का सीएफ लीग का। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करूँ इस मैच की तो एसडीएल और बोरुसिया डॉर्टमुंड में ना, बोरुसिया डॉर्टमुंड टीम है वो है तेज, ठीक है, और बोरुसिया डॉर्टमुंड टीम इनसे लाख गुना अच्छी भी है। लेकिन बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जितने मैचेस खेले हैं तगड़े तरीके से जीते हैं, कभी 7-0, कभी 2-3-1 के स्कोर से, कभी 2-0 से, मतलब जितने भी सीएफ लीग में मैच हुए हैं। इसलिए मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है बोरुसिया डॉर्टमुंड टीम पे। देखिए, पिछले मैचेस में टी हज़ार्ड इतना अच्छा परफॉर्म, ऐसा परफॉर्म करेगा मैंने सोचा नहीं था। एज अ सब्स्टिट्यूशन इस बंदे ने लास्ट मैच में एक गोल एक असिस्ट किया, उसके बाद फर्स्ट मैच जो हुआ था उसमें कुछ नहीं किया, फिर सेकंड मैच में इस बंदे ने एक असिस्ट किया, मतलब हज़ार्ड बहुत अच्छा खेल रहा है। और डी मेलन आएगा, सेबेस्टियन हेलर आएगा गेम प्ले में, ये आएगा एक प्लेयर है इनका जूलियन रेजिकॉफ, ये भी आएगा एज अ सब्स्टिट्यूशन, बट मैं आपको राय दूंगा यू हैव टू टेक ओनली सेबेस्टियन हेलर, क्योंकि सेबेस्टियन है, ये पूरी पूरी टीम सब्स्टिट्यूट होगी। तो इसमें चक्कर क्या है कि अगर आप सेबेस्टियन हेलर और हज़ार्ड को अगर लेते हो, तो आप अगर ऑपोजिशन टीम का कोई भी स्ट्राइकर नहीं भी लेते तो यहाँ से अपना एक स्ट्राइकर बढ़ा सकते हो। और किसको लेना चाहिए आपको, मैं आपको राय दे सकता हूँ, आपको लेना चाहिए मेलन को, ठीक है, अगर आप लेना चाहो, बाकी मैं थोड़ा भी सोचूंगा। बात करें मिडफील्डिंग की, ब्रैंटियन रियस, एम रियस अब तक पूरी फॉर्म में, सेबेस्टियन हेलर को पता नहीं क्या हो गया, जब तक ये बंदा अजैक्स टीम में था तब तक बहुत अच्छा था, फिर इसको बहुत बड़ी इंजरी निकल आई, कोई बहुत बड़ी बीमारी जिसको इसको निकल आई, फिर इस बंदे ने काफ़ी दिनों उसमें बिजी रहा, काफ़ी दिन उसको ठीक करने में, जब वापसी की तो वो वाला गेम प्ले मुझे दिखाई नहीं, तो बेचारा इंजरी के बाद फ्लॉप ही हो गया, पता नहीं कब आएगा अपनी फॉर्म में, इसलिए तब तक एम रियस की जगह पक्की है। और आगे से बात करें, जितने इनके खिलाड़ी हैं ये क्या है, ये सिर्फ हैं एक अट्रैक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन अट्रैक्शन, जो कि इनको लेना, मैं कहूँगा इनमें से अगर एक खिलाड़ी गोल कर भी देता है तो आपको एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में बेसोंग ने गोल किया, क्या हो गया, बैम्बा ने अगर सब्स्टिट्यूशन गोल किया तो क्या हो गया, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसलिए मेन जो है वो है ऊपर वाले खिलाड़ी जो आपके सामने हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा अगर आप डी मेलन लेना चाहे ले सकते हैं, उसमें आपका एक जो डर है वो निकलेगा, डर ये है कि उसमें आपको जो एक डर है वो है ई कॉनवे एक डर है, मतलब ई कॉनवे अगर कुछ करता है तो आपको रिस्क आ सकता है, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस टीम में डीओआर पे कि मुझे लगता है वो कुछ करेगा ही नहीं। एंड मिडफील्डिंग सेक्शन से बात करें देन बॉडीली को लूँगा, बॉडीली एक मेन प्लेयर है, बॉडीली के बाद ये जो आप देख रहे हैं कॉलिन मार्टिन्स हो गया, सी एडम्स हो गया, ये नॉर्मल है, आपने देखा होगा कि एसबीएल के पिछले मैचेस में भी काफ़ी बार हमने इनको देखा तो है, लेकिन मैं कहूँ कि किसी की कंसिस्टेंसी है तो वो सिर्फ इनके स्ट्राइकर की है जिसको हम नहीं ले पा रहे। सो जिन्होंने एक कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर लेना है तो वो चुपचाप कॉनवे को लेंगे मेलन की जगह, लेकिन जिन्होंने रिस्क लेना है वो मेरे साथ मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ वो करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ मार्टिन को लेंगे, बस इतना सा चेंज कहूँगा मैं आपको। बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर हमल्स स्यूल को अभी नहीं ले रहा, वॉल्फ को लूँगा, वॉल्फ बड़ी अच्छी फॉर्म में है एक्चुअली, आप ये लगा लीजिए मैं चाहता तो म्यूनियर को ले सकता था, आज तक ड्रॉप नहीं किया, आज क्यों कर रहा हूँ, वॉल्फ बहुत अच्छी फॉर्म में है भाई, ठीक है, और साथ ही साथ बीच बीच में मिडफील्डिंग भी करता है इसलिए। और ऑपोजिशन टीम की बात करें तो स्टॉनमैन की जगह सी रिले को लूँगा, ऑपोजिशन टीम का बढ़िया है डिफेंडर। एंड बात करें गोल कीपिंग की, के वेगास इज़ अ ग्रेट प्लेयर। आगे से बात करें कैप्टन की, तो जो मेरा कैप्टन है वो है देखिए एमरियस, वाइस कैप्टन टी हज़ार्ड। अभी सेबेस्टियन हेलर पर रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है, जब फॉर्म में आ जाएगा तो मैं खुद कप्तान रखूँगा, ऐसी बात नहीं है, तब तक नहीं रखूँगा जब तक पता नहीं चल जाता इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।